सभी को गुड मॉर्निंग। इस प्रातःकालीन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। जल्दी से जल्दी आप अपनी कक्षाओं में ज्वाइन हो जाइए। हमने आपको पेज नंबर 37 तक आपको पढ़ा दिया था और इसके आगे की बात पेज नंबर 37 के बाद 38 से आने की पेज नंबर 38 से आप रीडिंग कर रही है। पेज 38 कल आपको बहुत सी बातें बताई थी, उनको फिर से मैं एक बार थोड़ा सा आप संदर्भ के लिए रिपीट कर देंगे हम, क्या हमारा खून किन 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 चीज़ों से बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं, उसमें प्लाज्मा प्लेटलेट्स लाल कण और सफ़ेद कण शामिल हैं। इसलिए खून को भानुमति का पिटारा भी कहा गया है, अर्थात अनेक चीज़ों का एक संग्रह। संतुलित आहार के बारे में आपको बताया गया था कि बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट क्यों लेनी चाहिए, खाने से पहले क्या क्या सावधानियां हैं और किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं, उसके लिए क्या क्या बातें आवश्यक हैं और कौन कौन से विटामिन हैं, कौन कौन से पौष्टिक तत्व हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई थी। प्रोटीन, आयरन, वसा और विटामिन ए बी सी डी, विटामिन के, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी टू, इस प्रकार की जानकारियां हमने आपको दी थी और अलग अलग ब्लड ग्रुप के बारे में भी बताया था। तो हमारा शरीर में रक्त का क्या स्थान है और किस तरह से हमारा हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये बातें इस पाठ के अंतर्गत थी। और इसी के साथ पेज नंबर 38 पर आप पढ़ेंगे हेडलाइन, दीदी बोली सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा करने की कोशिश करते हैं, धावा करना और हमला करने की कोशिश करते हैं, तो सफेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है, कण का मतलब सेल्स से है, मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यह मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, अर्थात इम्यून पावर को बढ़ाते हैं, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं, है ना, जो बहुत ही आवश्यक है। और शरीर में किसी प्रकार के रोगाणु न बन पाए उसको दूर करते हैं। इस प्रकार से रोगों से हमारी रक्षा करने में जो जम्स होते हैं, रोग फैलाने वाले रोगाणु, उनसे लड़ते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम हीमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो और बीमारियों का काम है चोट लगाने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। बीमारु क्या कार्य करते हैं, जब कभी हमें चोट लगती है, कहीं कहीं हम गिर जाते हैं,
या कहीं कोई ऐसी बात हो गई कि हमें चोट लग जाए, तो फिर चोट किस प्रक्रिया से सही होता है, उसमें विमानों जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विमानों इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। रक्त बाहर कैसे निकलता है और फिर पट्टी वगैरह बांध दी जाती है, घाव को उठता जाता है, धीरे धीरे उसमें पट्टी जमने लगती है और घाव धीरे धीरे भर जाता है। इस प्रकार से चोट सही करने की प्रक्रिया में विमाणु का विशेष स्थान है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर शैली में ये बातें चल रही हैं। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वो टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। टांके जो स्टिच कहते हैं जिन्हें, वह भी लगाए जा सकते हैं, जैसे कहीं कट गया या फट गया। किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। यह प्राथमिक उपचार की बात की जा रही है। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले फर्स्ट एड्स के नाम से जिसको जाना जाता है, क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, खून बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। यदि ज्यादा खून निकल गया तो फिर खून चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। तो आपको ब्लड बैंक के बारे में जानकारी दी जाएगी। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को चार मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, ऐसी आपात स्थिति, आपात स्थिति मतलब इमरजेंसी, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं, रक्तदान केंद्र, ब्लड बैंक। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, खून जो तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। देख रहे हैं आप, तो इस प्रकार से तो रक्त किस प्रकार से जो इकट्ठा होता है, इसके लिए क्या क्या आवश्यक उपाय हैं, कौन सा व्यक्ति रक्तदान करता है, रक्तदान के लिए कितनी आयु सीमा चाहिए, इन सब बातों को इसमें बताया जाएगा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो पहले उसका टेस्ट होता है, स्वस्थ व्यक्ति का ही रक्त लिया जाता है और फिर उसे बोतल में रखकर ब्लड बैंक में रखा जाता है और उसमें ग्रुप लिखा जाता है, जैसे ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इस प्रकार के रक्त के समूह हैं। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, इससे से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से
रक्तदान किया करूंगा। अनिल ने कहा, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, अच्छी बात कही तुमने। लेखक जतिन सत्रवाल, इस प्रकार से इस पाठ को हमने पढ़ा है और आपका जो है हिंदी की परीक्षा जो है डिस्ट्रेक्टिव टेस्ट होगा, ये इसी प्रश्नों के उत्तर लिखने को होंगे। पहले की तरह एनसीक्यू नहीं होगा, अलग अलग तरह के प्रश्न होंगे, उसमें आपको उत्तर जैसे पहले डाउनलोड करते थे पीडीएफ बनाकर, उसी तरह से आपको डाउनलोड करना है। आपको पीडीएफ बनाना यदि नहीं आता है तो पीडीएफ बनाना भी सीख लें, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि आप साफ सफाई से लिखें, दूर दूर लिखें, अच्छा लिखें, समझो। और पेपर जो है साफ सुथरा ही प्रयोग करें, गंदा पेपर में जो अच्छा नहीं रहता, उसमें स्प्रेड रहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छी इंक का प्रयोग और अच्छे पेपर का प्रयोग किया जाए, समझो। और दोनों तरफ मार्जिन, पेपर के दोनों तरफ मार्जिन दिया जाए, जिस तरह से मार्जिन यहाँ पर दिया हुआ है, इसी तरह के मार्जिन देने की भी आवश्यकता है, समझो, जिससे कि आपका कटा कटा फटा ना दिखाई दे, और उसमें एक आपकी सीधा आपका दिखाई देगा। और बस समय सीमा का ध्यान रखें, समय सीमा के बाद जो है आपका पेपर डाउनलोड नहीं होता। समय सीमा को हर तरह से बनाए रखें, टाइम लिमिट को समझिए, जो टाइम उसमें दिया है उसी के अंतर्गत आप अपना कार्य पूरा कर हमें डाउनलोड कर दें। ये बातें हमने आपको बताई हैं, इनको आप ध्यान रखिए। और पेपर का सिलेबस हम बहुत शीघ्र ही आपको बता देंगे। वसंत में वैसे 4, 5, 6 तीन लेसन रहेंगे, वसंत भाग 2 से लेसन नंबर 4 कठपुतलि, लेसन नंबर 5 मिठाई वाला, लेसन नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर। महाभारत से जो लेसन आपको करवाए गए हैं 6 से 10 तक वही रहेंगे। पत्र और निबंध यदि रहेंगे तो हम आपको बता देंगे। वैसे भी आप वर्षा ऋतु का निबंध पढ़ लें, समझो, तो जो आपको गृह कार्य में भी दिया गया है और आपको यहाँ पर डिस्कस भी किया गया है, उसमें यदि कुछ पैराग्राफ लिखने को आ सकता है तो आप कर लेना, और पत्र आपको हम और देंगे, समझो। और व्याकरण से संबंधित जानकारी जो भी व्याकरण उस पेपर में आएगी, भाषा की बात के अंतर्गत ही हम व्याकरण देंगे, समझो। यदि कोई अलग से व्याकरण होगी तो उसे हम आपको स्पष्ट कर देंगे, तभी जो है परीक्षा में दी जाएगी, समझो। इस प्रकार से जो भी मापदंड हैं, जो भी बातें आपको बताई जा रहे हैं, उनको आप याद रखें। बोलिए, बोलो। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, और किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई कठिनाई है तो आप पूछ सकते हैं, चाहे पेपर के बारे में हो, चाहे पढ़ाई के बारे में हो, अखबार में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ आपके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। आवाज यदि आपको साफ नहीं सुनाई दे रही तो आप
इसमें मैसेज डाल सकते हैं, समझो, उसको पढ़ करके हम आपकी परेशानी का निदान कर देंगे, हल कर देंगे। समय समय पर हम मैसेज इसमें देखेंगे, जब भी आपका कुछ लिखा होगा, जब कोई परेशानी है तो उसका निदान है, समझो, अन्यथा आप कार्य करते रहिए, समझो। स्लाइड लिखे जी, बोलिए सर, ये कटिंग शब्द के फर्स्ट वाला नंबर पे आप स्लाइड लिखे हैं, स्लाइड 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 में दस्तक, इसके नीचे दस्तक देना, दस्तक देना। ओके सर, ओके, वेरी गुड, इधर बोलते रहिए, बताते रहिए। सर प्लीज साइड, ओके, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए?
सर हम अनीमिया में ये भी लिख सकते हैं ना, ये भी सही है, ये भी लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि रक्त जब कम हो जाता है तब ये बीमारी होती है, वो भी सही है, मीनिंग तो बराबर ही है, लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। सर आगे बोलो, तो है क्या बोलो सर, पहला प्रश्न कहाँ से है? पहला प्रश्न कहानी से का है क्या? हाँ, कहानी से, कहानी से, पार्ट से कहानी से की है, कहानी से लिखने का, कहानी से अगर कह सकते हो, कहानी से ही है पहला प्रश्न, जो सही कहा आपने, कहानी से। पहला प्रश्न था रक्त के भाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कहानी से पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था खून को खानु मात्र का पिटारा क्यों कहा जाता है,
ठंडक के साथ साथ देखते रहिए, जैसे बार बार वेरी गुड, बहुत प्रेजेंट है, मुझे पता पड़ रही है, मैं आप बोलो मत, मैं देख रहा हूँ, प्रेजेंट सर, मैं टिक कर दे रहा हूँ, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, कुमार मीना प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, मीना सर क्या प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, नो मत, प्रेजेंट सर इस प्रेजेंट सर, ठीक है, तब से के बाद प्रेजेंट सर, ठीक है, नाम पता पड़ रहा है आपको, मैं मालूम पड़ रही है कि स्क्रीन में देख रहे हैं, आदर्श तिवारी प्रेजेंट सर, ठीक है, नाम मेरा प्रेजेंट सर, का कोड इज क्लियर, ओके, बोलिए माता कोड, नवीन कुमार मीना प्रेजेंट सर, ठीक है, नवीन कुमार मीना प्रेजेंट सर, ठीक है, अपना नवीन कुमार मीना अपना पीडीएफ आप सही तरीके से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि होमवर्क आप जब भेजते हैं तो आप आगे कमाई प्रेजेंट सर, जो बात बताई जा रही है पहले से, नवीन कुमार मीना अपना पीडीएफ तो सही तरह से डाउनलोड, अरे क्यों बोल रहे हो यार, बोलिए बता, मुझे समझ नहीं आई, नैतिक प्लीज डोंट सेंड अननेसेसरी मैसेजेस, नैतिक पागल है क्या यार, इतना बड़ा बड़ा बोल रहा है, नैतिक वी आर डिस्टर्ब्ड बाय योर मैसेजेस,
सर दो मिनट, सर दो मिनट साइड हो जाइए। एक सेकंड सर, सातवे में क्या लिखा है आपने? सातवां आहार भोजन, पौष्टिक आहार, कौन सा पांचवा? पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार अच्छा भोजन, पौष्टिक आहार अच्छा भोजन। नोटेड सर। ओके, प्रश्न नंबर 3। अनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? अनीमिया से बचने के लिए चटपटा खाना नहीं खाना चाहिए। सर आप दूध के बाद क्या लिखे हैं? दूध के बाद फल। ओके सर।
नोटेड सर। सर अभी आप फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर लिखवाएंगे। ठीक है सर। सर थर्ड क्वेश्चन के आंसर तो कंप्लीट हो चुका है। हो चुका है, अच्छी बात है। अभी आते हैं अभी हम आप पढ़िए तक फिर हम इसको रोक करेंगे और आपका अगला क्लास संस्कृत का क्लास है। आज आपका टाइम टेबल सर अपने के बाद क्या लिखा है जी? अनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार करना चाहिए। पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार। डन सर। नोटेड सर। नोटेड सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नोटेड सर। ओके, तो इसी के साथ धीरे धीरे आपका इसका समय समाप्त हो रहा है। आप जो है हम इस मीटिंग को यहाँ पर बंद करेंगे और दूसरी मीटिंग आप इसको होगी नहीं इसको आप उतार लीजिए। नोटेड सर। ठीक है, वेरी गुड। सर नेक्स्ट पीरियड आपका ही संस्कृत का है। हाँ, वेरी गुड।